यूपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने की आशंका जताई। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार चुनाव में हमारे मतदाताओं का वोट कटवाने की तैयारी कर रही है। हमने 2022 की मतदाता सूची रखी है अपने पास, नई सूची आएगी और उस पर गड़बड़ी करेंगे तो हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। और चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर, 24 तो नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था, तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के, वहां जमा कर देंगे और जब कटी हुई के प्रकाशन करेंगे तो उसको तब फिर इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब नहीं, ये डाल डाल हम पात पात। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा और कड़ी कर दी है। इलाके में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फीड की निगरानी तुगलक रोड थाने में स्थापित दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कंट्रोल रूम से की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए कैमरों की निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से आप देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है ताकि इंडिपेंडेंस डे से पहले या फिर उस दिन कहीं पर कोई गतिविधि अंजाम ना दी जा सके जिससे कि देश या देश के नागरिकों को नुकसान पहुंच सके। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में नए सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षारंभ 2024 नाम से आयोजित कार्यक्रम में हजारों छात्र शामिल हुए। 17 देशों के साथ ही भारत के लगभग सभी राज्यों के 7000 से ज्यादा छात्रों ने इस साल एडमिशन लिया है। छात्रों का स्वागत कैंपस में ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तरीके से किया गया। इस दौरान छात्रों ने डांस, सिंगिंग और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया। इस बार हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। फॉरेन के बहुत बच्चे, फॉरेन के करीबन 17 कंट्री के बच्चे हमारी उत्तरांचल विश्वविद्यालय में इस साल एडमिशन लिए हैं, तो ये खुशी की बात है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय मतलब काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और मैं सभी बच्चों को उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आने की शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले 12 जुलाई को शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई से जुड़े मामले में केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में ही बंद है। कोर्ट ने आज सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही आज कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बलिया में बीजेपी के विधायक केतकी सिंह को धमकी मिली है। दीवार पर धमकी भरा पत्र चस्पा किया गया है। विधायक के साथ अन्य दो लोगों को भी धमकी दी गई है। मामले को लेकर पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। केतकी सिंह मौजूदा समय में बांसडीह सीट से बीजेपी के विधायक हैं। बेरुआबारी इलाके में लेटर चस्पा कर धमकी दी गई है। तो बलिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के विधायक केतकी सिंह को धमकी मिली है। दीवार पर धमकी भरा पत्र चस्पा किया गया है। विधायक के साथ ही दो और लोगों को भी धमकी दी गई है। वही मामले को लेकर पुलिस को सूचना दे दी गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बलिया के विधायक है, बांसडीह विधायक केतकी सिंह है, उनको लेटर पत्र लिखा गया है जहाँ दीवार पे की उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और हत्या करने का पूरा उसमें जिक्र किया गया। साथ ही इनके दो और सहयोगी है उनको भी जिक्र किया गया। हालांकि पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी है और बलिया बांसडीह जो केतकी सिंह, उन्होंने पुलिस अधीक्षक बलिया से पूरे मामले में शिकायत कर दिया है। जहां बीजेपी से विधायक हैं उनके कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है तो राजनीतिक को भी हो सकता है या किसी की साजिश हो सकती है। पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।